शास्त्रों में गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का दाता माना गया है। ऐसी मान्यता है कि उनके शरीर पर जीवन और ब्रह्मांड से जुड़े अंग निवास करते हैं। उनका प्रत्येक शरीर अंग अपने भीतर एक अलौकिक शक्ति को छिपाए हुए हैं। गणेश जी की सूंड पर धर्म विद्यमान, उनके कानों पर ऋचाएं, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड, आँखों में लक्ष, पैरों में सातों लोक, मस्तक पर ब्रह्म लोक विद्यमान है। यही कारण है कि गणेश जी के सामने से दर्शन करने पर उपरोक्त सभी सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके पीठ के दर्शन करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। गणेश जी की पीठ के दर्शन करने वाला व्यक्ति यदि बहुत धनवान भी हो तो उसके घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी वजह से उनके पीठ नहीं देखना चाहिए। यदि जाने अनजाने में भूल से उनके पीठ के दर्शन हो जाए तो गणेश जी से क्षमा मांग कर उनसे उनका पूजन करें। ऐसा करने से होने वाले बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं।